आप भी अगर एक ही तरह की चीजें खा खा के बोर हो गए हैं तो दाल और चावल से ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनाकर जरूर ट्राई करें। इस नाश्ते को आप मतलब सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में तो बना ही सकते हैं, साथ ही साथ आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत टेस्टी ये बनता है और बहुत इजीली बन के तैयार हो जाता है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं इसे बनाने में। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि दाल और चावल का ढोकला किस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने ये एक बाउल में लगभग 1 कप चावल ले लिए हैं। तो चावल आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो नॉर्मल बासमती राइस आते हैं उनका इस्तेमाल किया है। आपके पास जो भी राइस है आप उनका इस्तेमाल कर ले। तो जितने मैंने चावल लिए हैं उससे आधी मैंने यहाँ पर चना दाल ले ली है, मतलब आधा कप मैंने यहाँ पर चना दाल ले ली है। तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को धो लेंगे अच्छे से पानी से। इसके बाद हम इन्हें भिगो कर लगभग 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि ये जो चना दाल है ये भी अच्छे से फूल जाए और चावल भी अच्छे से फूल जाए, अच्छे से ये पानी को एब्जॉर्ब कर ले। तो 4 से 5 घंटे हो गए हैं और दाल और चावल काफ़ी अच्छे से फूल चुके हैं, काफ़ी अच्छे से इन्होंने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। और जो चने की दाल है काफ़ी मतलब इजीली नाखून से टूट जा रही है। अब हम बड़ा वाला मिक्सी का जार लेंगे और इसमें ऐड करेंगे जो हमने चना दाल भिगो के रखी है उसे ऐड कर देंगे। और लेकिन इससे पहले हम जिस पानी में हमने चना दाल को भिगो कर रखा था वो पानी फेंक देंगे। और अब हम इसमें फ्रेश पानी ऐड करेंगे लगभग 4 से 5 टेबल स्पून, क्योंकि पानी ऐड करने से ये जो दाल है ये काफ़ी इजीली पिस जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने दाल को अच्छे से पीस लिया है, काफ़ी बारीक एकदम फाइन इसका पेस्ट बना लिया है। अब हम इस पेस्ट को किसी भी एक बड़े साइज के बर्तन में निकाल लेंगे। इसके बाद हम ये जो सेम मिक्सी का जार है इसमें भिगोए हुए चावल ऐड करेंगे, लेकिन चावल का भी जो पानी हमने जिसमें भिगो के रखा था उसे हटा देंगे, उस पानी को फेंक देंगे। और चावल में हम लगभग आधा कप फ्रेश वाटर ऐड करेंगे और इसे भी हम अच्छे से एकदम बारीक पीस के तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो पानी है उसकी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं पीसते टाइम। बस आप इतना ध्यान रखें कि हमें ना ये जो ढोकले का बैटर है ये सेम वैसा ही बनाना है जैसा इडली का बैटर होता है। जिस तरह की इडली के बैटर की कंसिस्टेंसी होती है सेम वैसी ही कंसिस्टेंसी हमें ये दाल चावल के ढोकले की भी रखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने चावल को भी अच्छे से एकदम बारीक पीस लिया है, फाइन पेस्ट इसका बना लिया है। तो अब हम इसे सेम बर्तन में निकाल देंगे जिसमें हमने दाल का पेस्ट निकाला था, उसी में हम इसे निकाल देंगे। इसके बाद अब हम दोनों पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम एक ही डायरेक्शन में इन्हें अच्छे से फेंट लेंगे। इसके बाद हम इसे ढक कर कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए रख देंगे। आप चाहे तो इसे मतलब ओवरनाइट भी रख सकते हैं अगर आप इसे सुबह ब्रेकफास्ट में बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 5 से 6 घंटे हो गए हैं और जो बैटर है वो काफ़ी अच्छे से फर्मेंट हो गया है और काफ़ी ज़्यादा ये फूल गया है, वॉल्यूम में भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो अब हम इसे दोबारा अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे अच्छे से। इस पॉइंट पे आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं अगर आपको बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी गाढ़ी लग रही है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे 1 चम्मच चीनी, नमक स्वाद के अनुसार, 1/4 छोटी चम्मच हींग, 1/4 चम्मच सिट्रिक एसिड मतलब नींबू का सत, क्योंकि मेरे पास नींबू नहीं है इसीलिए मैं इसमें नींबू का सत ऐड कर रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास नींबू है तो आप क्या करें कि आधी नींबू का रस ऐड कर दें। 1/8 चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहें तो हल्दी पाउडर के प्लेस पे फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं इस रेसिपी में हल्दी पाउडर ही ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच हम इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे, इससे ना इस रेसिपी में काफ़ी बढ़िया टेस्ट आएगा। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो खमन का बैटर है वो पूरी तरह से बन के तैयार है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और इसके बाद हम जिस भी बर्तन में हमें ढोकला बनाना है उस बर्तन को हम अच्छे से कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, ताकि जब हम इसे डीमोल्ड करें तो जो खमन है वो आसानी से निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने ये केक मोल्ड को अच्छे से ग्रीस कर लिया है कुकिंग ऑयल से। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने बैटर बनाकर रखा था उसमें हम इनो पाउडर मिक्स करेंगे। तो मैं इतने बैटर में ये एक जो इनो का शेषक है
इसे पूरे को ऐड कर रही हूँ। अब हम तुरंत ही बैटर को अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से हम ये जो इनो पाउडर है इसे मिक्स कर देंगे बैटर के अंदर, और इसके बाद हम तुरंत ही इस तैयार बैटर को जो हमने मोल्ड ग्रीस करके रखा था उसके अंदर डाल देंगे। धीरे धीरे मोल्ड को 1 से 2 बार डैब कर लेंगे ताकि अगर इसमें कुछ मतलब बबल्स आ गए हों, एयर बबल्स, तो वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसे स्टीम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्टीमर में पहले से ही पानी अच्छे से गरम कर लिया है और स्टैंड भी लगा दिया है स्टीमर के अंदर। अब हम इस मोल्ड को स्टीमर के अंदर रख देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे 12 से 15 मिनट के लिए अच्छे से स्टीम होने देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 से 15 मिनट हो गए हैं और मैंने काफ़ी अच्छे से इसे स्टीम कर लिया है। अब हम खमन में चाकू डालकर देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि हमारा जो ढोकला है वो पूरी तरह से पका है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाकू एकदम साफ है और बिल्कुल भी बैटर इसके ऊपर नहीं चिपका हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो ढोकला है ये पूरी तरह से स्टीम हो गया है। लेकिन अगर इसके ऊपर बैटर चिपका हुआ रहता तो हम इसे थोड़ी देर के लिए और पकाते। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, इसके बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो खमन है वो पूरी तरह से ठंडा हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, डीमोल्ड कर लेंगे इसे, और इसके बाद हम इसे मनचाहे शेप में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ढोकले को अच्छे से काट लिया है और आप देख सकते हैं कि हमारा जो ढोकला है वो काफ़ी बढ़िया बन के तैयार हुआ है और काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्जी दिखाई दे रहा है। अब हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल को पहले से ही अच्छे से गरम कर लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच काली सरसों, 1 चम्मच जीरा, 1 रफली कटी हुई हरी मिर्च, 12 से 15 कड़ी पत्ते, 1/4 छोटी चम्मच नमक, 1/4 कप पानी, 1 चम्मच चीनी। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे अच्छे से, और इसके बाद हम इस तैयार तड़के को जो कटा हुआ ढोकला है उसके ऊपर डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर आधी नींबू का रस और इसके ऊपर निचोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और इजी दाल चावल का ढोकला है वो पूरी तरह से बन के तैयार है। और अगर अभी तक आपने इसे बनाकर ट्राई नहीं किया है तो एक बार इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, बहुत अमेजिंग लगता है, आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।